बच्चों, मैं एक चीज दावे के साथ आपसे कह सकती हूँ कि कभी भी मेहनत का फल बेकार नहीं जाता। मतलब आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका फल आपको जरूर मिलेगा, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। सो वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला मेरे प्यारे बच्चों। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड अ नीट एस्पायरेंट। और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे बायोडायवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इकोनॉमिक एंटेमोलॉजी की। इससे कुछ क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, और उसी के रेफरेंस में हम लोग चीजें समझेंगे। ठीक, चलिए मैं अगर कुछ स्टार्ट करना चाहूं तो मैं एक यहां से एनालिसिस को स्टार्ट करती हूं। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, दैट इज अ विच वन इज ट्रू फॉर द हनी बी। तो इसके पॉइंट को आप याद रखिएगा, ड्रोन्स आर हैप्लॉइड एंड फर्टाइल मेल्स। ड्रोन जो होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि एन होते हैं, ठीक है, सिंगल मेल का कैरेक्टर होता है, और फर्टाइल होते हैं यानी कि सिर्फ फर्टिलिटी रेट होता है। ठीक, तो ये बात आपको याद रखनी, ड्रोन्स क्या है, हैप्लॉइड फर्टाइल फीमेल, इसे याद रखेंगे। उसी तरीके से क्वीन क्या होती है, हैप्लॉइड फर्टाइल फीमेल होती है, ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। मैं आपको बता दूं, जो एनाफिलीज होता है उससे मलेरिया फैलता है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखना, कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। तो एनाफिलीज मलेरिया को स्प्रेड आउट करता है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं बताना चाहूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच सेट इंक्लूड द पैथोजेनिक आर्थ्रोपोड। सो पैथोजेनिक आर्थ्रोपोड से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैंने इसके और भी कॉम्बिनेशन बताए हैं, आप इस कॉम्बिनेशन को भी, इस पॉइंट को भी याद रखिए, ठीक है। सीसी फ्लाई, मॉस्किटो एंड रैट फ्ली पैथोजेनिक आर्थ्रोपोड्स हैं, जो पैथोजन को फैलाते हैं, डिसीज को फैलाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। सीसी फ्लाई, मॉस्किटो एंड रैट फ्ली क्या करेंगे, पैथोजेनिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, कह रहा है द वाटर सल्यूबल प्रोटीन विथ सिल्क थ्रेड इज, मतलब ऐसा कौन सा वाटर सल्यूबल प्रोटीन है सिल्क का, जो बेसिकली क्या है, एक रेशा हो, एक थ्रेड लाइक हो, दैट इज अ सेरिसिन। इसे क्या बोलते हैं, सेरिसिन, थ्रेड लाइक होता है बिल्कुल, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। सो द वाटर सोल्यूशन प्रोटीन विथ सिल्क थ्रेड इज सेरिसिन। क्या याद रखोगे, सेरिसिन याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि डेफिनिया इज कॉमनली नोन एज, सो डेफिनिया बेसिकली क्या होता है, इसको वाटर फ्ली भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वाटर फ्ली कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। कॉमनली आप ऐसे होगा, डेफिनिया इज ऑल्सो और कॉमनली नोन एज वाटर फ्ली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, दैट इज अ थ्री सेगमेंटेड क्लब्ड शेप्ड मैक्सिलरी पल्स आर प्रेजेंट इन, मतलब क्लब्ड शेप्ड हो और थ्री सेगमेंटेड हो, थ्री पार्ट हो बेसिकली, ऐसा मैक्सिलरी पल्स किसमें प्रेजेंट होता है, तो ये होता है फीमेल क्यूलेस में। फीमेल, इन अ फीमेल क्यूलेस आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ ए सेगमेंटेड, दैट इज अ नंबर इन अ थ्री सेगमेंटेड क्लब शेप्ड मैक्सिलरी पल्स आर प्रेजेंट इन अ फीमेल क्यूलेक्स। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन शोज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन्स मतलब अपना कई फॉर्म दिखाना, मतलब जिससे कि इंडिविजुअल सेगमेंटेशन हो, है ना। सो पॉलीमॉर्फिज्म वो क्या होता है, कॉकरोच में होता है, ठीक है, वो किसमें होता है, कॉकरोच में होता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने एनिलिडा में देखा था पॉलीमॉर्फिज्म, वो भी एक बहुत, इससे भी हायर ग्रेड का होता है एग्जांपल, उसी तरीके से कॉकरोच में भी पॉलीमॉर्फिज्म होता है। कह रहा है कि स्वार्मिंग ऑफ अ बीज इन, सो स्वार्मिंग मतलब कैसे करती है ये, कि स्वार्मिंग ऑफ द बीज इज मतलब डिफेंस फ्रॉम प्रेडेटर, मतलब प्रेडेटर से बचने के लिए क्या करती, स्वार्मिंग करती है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि एपिस डॉर्सेटा रिफर्स टू अ, तो बेटा एपिस डॉर्सेटा, एपिस इंडिका, ये सब जो बेसिकली जो नाम होते हैं, ठीक है, ये नाम सिर्फ इसलिए होते हैं कि इनकी स्पीसीज होती हैं, तो ये बेसिकली क्या होती है,
इंडियन भी होती है, उसे क्या बोलते हैं, एपिस डोरसेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सिमिलरिटी बिटवीन द एनाफिलीज एंड क्यूलेक्स, मतलब अब आपसे पूछ रहा है कि सिमिलरिटी क्या है एनाफिलीज एंड क्यूलेक्स में। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेल ऑफ बोथ सक जूसेस ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स, मतलब जो दोनों ही, मतलब कि किसकी बात हो रही है यहाँ पे, एनाफिलीज और क्यूलेक्स, दोनों के ही मेल्स में क्या होता है कि सकिंग पावर होता है, जिससे कि वो क्या करते हैं, सकर होता है, जिससे कि जूस फ्लावर और फ्रूट के जूस को ये क्या करते हैं, सक करते हैं। ठीक है, तो मेल ऑफ बोथ सक द जूस ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि द मोस्ट कॉमनली मेंटेन स्पेसीज ऑफ द बी बाय द कीपर इज, मतलब बहुत ज्यादा कौन सी ऐसी स्पेसीज है जो बेसिकली मेंटेन की जा रही है, दैट इज द एपिस मेलिफेरा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज द एपिस मेलिफेरा, इट इज अ मोस्ट प्रोमिनेंट स्पेसीज मेंटेन बाय द कीपर्स। ठीक है, कीपर्स के द्वारा ये बहुत ज्यादा मेंटेन की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इकोनॉमिकली यूजफुल इंसेक्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है, टेकार्डिया लाका, तो इससे क्या होता है, लाख मिलता है। ठीक है, इससे क्या मिलता है, लाख मिलता है, तो इससे इतना बहुत इसके मेडिसिनल वैल्यू भी है, कॉस्मेटिक भी वैल्यूज हैं। ठीक है, और मतलब क्लॉथ इंडस्ट्री में भी इसका काफी यूज होता है, तो कई जगह मतलब काफी ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू को ये देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि शिफ्टिंग इज रिलेटेड विथ, तो स्टिफिंग जो होता है बेसिकली सेरी कल्चर से मतलब रिलेटेड होता है। होता क्या है कि जब मतलब जो मैं ये कहूँ सिल्क का फॉर्मेशन होता है, तो उसके लिए स्टिफिंग एक प्रोसेस होता है, और उसी प्रोसेस से सिल्क का फॉर्मेशन होता है, इसलिए स्टिफिंग जो होता है वो बेसिकली सेरिकल्चर से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज ऑफ द बीज इज यूज फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हनी। सो मैं बता दूं, अभी ये क्वेश्चन फिर से मैंने बोला था, मैंने बोला एपिस मेलिफेरा, मतलब बहुत ज्यादा कीपर्स के द्वारा यूज किया जाता है। होता क्या है कि ये जो होती है मॉडर्न मतलब एक तरीके की मॉडर्न बी है, हनी बी है बेसिकली, और इसका जो कल्चर है इसको पालना काफी मतलब सुविधाजनक है, कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा कॉमर्शियल यूज में यूज किया जाता है, तो ये काफी बेनिफिशियल होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो यूजफुल होती है कॉमर्शियल प्रोडक्शन में, दैट इज मतलब हनी का, मतलब जैसे कि मैं आपको बताऊं मेडिसिनल यूज जो होता है इसका। ठीक है, कॉस्मेटिक यूज होता है, वैक्स वगैरह हो गया। ठीक, बहुत सी क्रीम्स हैं, बहुत सी मैं ये कहूँ ड्रग वगैरह में। ठीक है, तो काफी ज्यादा इसका यूज किया जाता है, तो ये होती है एपिस मेलिफेरा। ठीक है, ये क्या होती है, एपिस मेलिफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज द पैरासिटिक कॉस्ट्रेशन इन क्रैब, मतलब कौन होता है जो मतलब पैरासिटिक कॉस्ट्रेशन ऑफ क्रैब, क्रैब में पैरासिटिक इफेक्टिव होता है उसमें। ठीक है, कुछ वो कॉज कर दे, कोई ऐसा मतलब उसमें हील कर दे जो बेसिकली उससे उसको क्या हो, कुछ नुकसान हो, हार्मफुल एक्टिविटी हो, दैट इज द सेक्युलाइना। ठीक है, सेक्युलाइना क्या करता है, क्रैब को बहुत ज्यादा हार्मफुल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरीपेटस इज कनेक्टिव लिंक विद विंडा, सो कनेक्टिव लिंक किस लिए यहाँ पूछा गया, क्योंकि आर्थोपोडा मतलब आर्थोपोडा से लिंक्ड है बेसिकली, ये तो एनलिडा से भी लिंक है, लेकिन ये कभी कभी इवोल्यूशनरी ट्रेड से भी कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। सो पेरीपेटस इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनीलिडा एंड आर्थोपोडा, मतलब एनीलिडा और आर्थोपोडा के बीच की जो एक कनेक्टिव लिंक होती है ना, उसे बोलते हैं पेरीपेटस। सो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई। कल से कॉर डेटा स्टार्ट करेंगे नए जोश उत्साह के साथ। कॉर डेटा लगभग मेरे हिसाब से 15-20 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, फिर हम इसके नए यूनिट में आएंगे। और मुझे लगता है कि मैंने बायोडायवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई कमी अपनी तरफ से नहीं छोड़ी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। सो अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो, तो उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।
बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माय पाठशाला एंड थैंक्स अगेन। कीप वॉचिंग।